ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे OFSS बिहार। लिखने के बाद आप सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद जो ऊपर जो ये फर्स्ट वेबसाइट आ रहा है उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ ऊपर की अगर हम स्लाइड करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि बच्चे लोग फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे फॉर्म फिल करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो उसका नंबर दिखाया जा रहा है 0612223000, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ये बिहार बोर्ड का हेल्पलाइन नंबर है इंटरमीडिएट वालों का। और यहाँ पे दोस्तों हम स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लॉगिन पर हम जाएंगे। जो पिछला वाला जो 26 मई तक डेट रखा गया था उसका हम मोबाइल नंबर और यहाँ पर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहे थे, वो हो ही नहीं रहा है। तो पता नहीं अब क्या होगा। मान लीजिए 2 तारीख तो आज निकल गया, अब से 5 दिन और बचा। 5 दिन में पता नहीं बच्चे लोगों का एडमिशन होगा या नहीं होगा। बिहार बोर्ड आखिर चाहता क्या है पता नहीं। पर ये भी अपडेट नहीं दे रहा कि जिनका 26 मई का जो पहले का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका पेमेंट हुआ है, उसका अब क्या करना होगा। कुछ बच्चे का तो प्रिंट भी नहीं निकला है जो पिछली बार जो भरे हैं। बताया दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ कट ऑफ लिस्ट का तो दिखा रहा है। कट ऑफ लिस्ट देख कर बच्चे क्या करेंगे, उनका फॉर्म फिल करने से मतलब है ना। यहाँ पर फॉर्म फिल हो ही नहीं रहा है।